नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। डाटा एंट्री, अरे फिर से पढ़ाई। ये एक्सेल कोई भयंकर चीज है नहीं, आप एकदम इसको हंसते खेलते सीख सकते हो, आपको बस इंटरेस्ट होना चाहिए। आज के डेट में एक्सेल बहुत लोगों का रोजी रोटी का साधन है। वो ऑफिस जाते हैं तो एक्सेल से ही उनका काम का शुरुआत होता है और एक्सेल के साथ ही एंड भी होता है। तो मैं इन एक्सेल महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। मेरा विनती है कि महाराज, हम डर डर के नहीं सीखेंगे, आपको हंसते खेलते हुए सीखेंगे। ये एपिसोड एक्सेल में डाटा एंट्री करने के कुछ नियमों का पहला भाग है। इसके पिछले वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विंडोज के एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया था, आप उसे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। ये सब वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो शुरुआती बेसिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। एडवांस यूजर्स को ये सब विषय पता होगा, इसमें कोई संदेह है नहीं। मेरे वीडियो में अगर कुछ छूट गया हो तो एडवांस यूजर से अनुरोध है कि कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में मैं उन सब विषयों को आपके लिए ला सकूं। अब पूर्व अध्याय को तीव्र गति से पुनरावलोकन कर लेते हैं। एक्सेल विंडो को ओपन कर लीजिए। सबसे ऊपर के बार को टाइटल बार कहते हैं, इसमें फाइल का नाम होता है। इसके नीचे कमांड्स का रिबन होता है। रिबन में टैब्स के अंदर कमांड्स की भरमार है। हर टैब के अंदर कमांड्स की कई टुकड़ियां, मतलब ग्रुप्स होते हैं। अगर ग्रुप के सारे कमांड्स को देखना है तो ग्रुप के नीचे जो बटन है उसे क्लिक करें और जो डायलॉग बॉक्स आता है उसमें से आप अपना पसंदीदा कमांड को चूज कर लें। रिबन के ठीक नीचे ही जो बार है उसे फॉर्मूला बार कहते हैं। ये एक मैजिकल बार है। फॉर्मूला बार एक्सेल के सेल्स में यूज किया गया फॉर्मूला शो कर देता है, मतलब आपको पता चल जाता है कि एक्सेल के कोई सेल में जो डाटा है वो डाटा के पीछे की फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बार के नीचे वर्कशीट होता है, इसमें डाटा एंट्री होता है। वर्कशीट में कई कॉलम्स और रोज होता है और ये कॉलम्स एंड रोज के इंटरसेक्शन से सेल्स बनता है जिसके अंदर हम डाटा एंट्री करते हैं। वर्कशीट के नीचे कोने में स्क्रॉल बार्स होते हैं, इनका यूज करके आप शीट को ऊपर नीचे बाएं दाएं कर सकते हैं। वर्कशीट के नीचे स्टेटस बार होता है, इसके कोने में जूम बटन्स दिए गए हैं। जूम बटन से शीट को आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, मतलब शीट को बड़ा करके देख सकते हैं या छोटा करके देख सकते हैं। आज हम डाटा एंट्री के कई और तथ्य जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने जैसे तैसे टेबल बना लिया था और आपको बोला था कि आप भी बना लें। मेरा सुझाव है कि आप टेबल्स बनाते जाइए, तब आपको पता लगेगा आपको परेशानी कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे आपको मदद चाहिए। उसके लिए हम तो हैं ही गुरु जी का आशीर्वाद लेके आपके समक्ष। तो डाटा एंट्री करने के लिए अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई छोटे भाई या पड़ोसी या कोई साथी, इनको काम में लगा के डाटा एंट्री करवा लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको चैंपियन बनना है तो परिश्रम आपको ही करना है। आप श्रीराम, एकलव्य, कर्ण या अर्जुन की तरह धनुर्धर बनेंगे, इसमें कोई संदेह है नहीं। अभी हम एक्सेल शीट में आपको कुछ नियम बताएंगे, आपको डाटा एंट्री के कुछ नए गुर दिखलाएंगे। अपने प्यारे से उंगली से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जैसे ही कोई सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, वो सेल दूसरे सेल के मुकाबले अलग दिखता है, मतलब उसके बॉर्डर्स बन जाते हैं। ये परमानेंट बॉर्डर्स नहीं है, ये सेल सिलेक्ट होने का इंडिकेशन है। इसे सेल सिलेक्टर कहते हैं। इस सेल सिलेक्टर के राइट कॉर्नर पे जो छोटा सा नन्हा सा स्क्वायर अपनी मौजूदगी व्यक्त करता है, इसे फिल हैंडल कहा जाता है। माउस के लेफ्ट क्लिक से आप कोई भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक एंड ड्रैग करके कई सारे सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कई सारे सेल्स मतलब एक टेबल की तरह कई सेल को रेंज कहा जाता है। माउस क्लिक से या फिर शिफ्ट की के साथ एरो कीज प्रेस करके आप रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट की को प्रेस करके रखें और एरो कीज प्रेस करके
रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। विंडोज में आप जनरली माउस पॉइंटर को एक एरो की तरह देखे होंगे, मगर एक्सेल सीट के ऊपर माउस पॉइंटर को लेते ही वो एक बड़ा क्रॉस बन जाता है। इस क्रॉस पॉइंटर को एक्सेल सीट में क्लिक करके हम सेल या रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करते हैं। जिस सेल में डाटा भरना है उसी सेल को सिलेक्ट करना है। जो सेल सिलेक्ट होगा उसी में ही डाटा एंट्री हो पाएगा। एक्सेल सीट में आपको माउस पॉइंटर मायावियों की तरह रूप बदलते दिखेंगे। मुनि विश्वामित्र मायावियों से बचने के लिए श्री राम जी को महाराज दशरथ से मांग कर जंगल ले गए थे। एक्सेल सीट में माउस पॉइंटर एक मायावी अस्त्र की तरह लगता है। सेल सिलेक्टर के कोई भी बॉर्डर के ऊपर जैसे ही आप पॉइंटर को ले जाएंगे, माउस पॉइंटर मोटा क्रॉस से एक एरो बन जाएगा और उसके साथ चार एरो भी दिखाई देगा। अब ये पॉइंटर शक्तिशाली बन गया है। अब अगर आप लेफ्ट माउस क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो पूरा का पूरा सेल मूव होने लगेगा। जहां पे आप लेफ्ट क्लिक बटन रिलीज करेंगे वहां पे सेल रह जाएगा। इस पॉइंटर के सहारे आप रेंज ऑफ सेल्स को भी मूव कर सकते हैं। सेल सिलेक्टर के नीचे कोने में ये जो स्क्वायर है इसे फिल हैंडल बोला जाता है। इसके ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाने पर माउस पॉइंटर एक छोटा सॉलिड ब्लैक प्लस सिंबल जैसा बन जाता है। अब ये अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है। अब आप अगर लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ड्रैग किया गया सेल्स में ये उसके नियमानुसार फिलिंग कर देगा। इसके नियम हम अगले एपिसोड्स में सिखाएंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स मजे के दिखा देते हैं। आप मंडे टाइप करिए और फील्ड हैंडल को क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लीजिए। आप देखेंगे वीक्स के बाकी डेज के नाम ऑटोमेटिकली फिल हो गए। वैसे ही आप जनवरी टाइप करिए कोई सेल में और फील्ड हैंडल को क्लिक करके नीचे या राइट या ऊपर कोई भी तरफ ड्रैग करिए। आप देखेंगे जहाँ तक आप ड्रैग कर रहे हैं वहाँ तक महीनों का नाम ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है। ये फील्ड हैंडल का कमाल है। जैसे रॉकेट उड़ता है ना, जैसे पीछे धुआं छोड़ता हुआ जाता है, वैसे ही कुछ लग रहा है। अरे नहीं नहीं, ये धुआं नहीं है, ये डाटा है। जैसे ही आप कोई भी दो कॉलम्स के हेडिंग्स या दो रो हेडिंग्स के बीच में माउस पॉइंटर लेते हैं तो पॉइंटर एक बार के साथ डबल एरो शेप में दिखाई देता है। इस पॉइंटर शेप को दिखाई देने के बाद आप लेफ्ट माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग करके कॉलम का विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं या रो के हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई सेल के अंदर अगर कोई डाटा उस सेल के विड्थ से कुछ ज़्यादा है तो आप ये रिसाइज पॉइंटर को कॉलम हेडिंग्स के बीच में डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डाटा के साथ कॉलम विड्थ को ऑटो फिट कर देगा। आप जब माउस पॉइंटर को कोई भी कॉलम हेडिंग के ऊपर रखते हैं तो पॉइंटर ऐसे ब्लैक एरो बन जाता है। अब अगर आप लेफ्ट माउस बटन प्रेस करते हैं तो पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है। वैसे ही रो हेडिंग्स पर कर्सर लेने पर ये ब्लैक एरो बन जाने के बाद क्लिक करने पर पूरा रो सिलेक्ट होता है। इस अवस्था में क्लिक एंड ड्रैग करके आप कई सारे रो और कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नज़दीकी रोज मतलब एडजेसेंट रोज या कॉलम्स सिलेक्ट करने के अलावा अगर अलग अलग जगह का रो या कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल की को प्रेस करके रो या कॉलम हेडिंग्स पे क्लिक करें। आप ये खुद करके देख लें। जब आप कोई भी सेल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं या F2 बटन प्रेस करते हैं तो सेल के अंदर आपको एडिटिंग कर्सर या ब्लिंकिंग कर्सर दिखाई देगा। ये कर्सर के जगह पर आप नया कैरेक्टर एंट्री के साथ एरो कीज, डिलीट की, बैकस्पेस की जैसे कीज को एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एडिटिंग मतलब मोटा मोटी मॉडिफिकेशन या करेक्शन समझ लीजिए। माउस क्लिक करके आपने तो सेल सिलेक्ट करना, रेंज सिलेक्ट करना, सेल मूव कराना ये सब जान गए। अब कीबोर्ड के कीज को कैसे डाटा एंट्री में यूज करें ये जान लेते हैं। सेल सिलेक्टर को मूव कराने के लिए आपको
इन कीज की जरूरत होगी, टैब की, एंटर की, शिफ्ट और एरो कीज। टैब की सेल सिलेक्टर को राइट मूव कराता है, मगर शिफ्ट की को प्रेस करके टैब की को अगर आप प्रेस करेंगे तो वो लेफ्ट को मूव कराएगा सेल सिलेक्टर को। एंटर की सेल सिलेक्टर को डाउन मूव कराता है, मगर शिफ्ट की के साथ एंटर की अप मूव कराता है सिलेक्टर को। एरो कीज को आप सेल सिलेक्टर को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कराने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई सेल में सिलेक्टर को रख के टाइप करना चालू करते हैं तो उस सेल में डाटा टाइप होता है। टाइप करने के बाद टैब, एंटर, एरो कीज से उस सेल में आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि डाटा एंट्री हो जाता है। जब तक आप टाइप करते हैं तब तक सेल के अंदर डाटा स्टोर नहीं होता है। जैसे ही आप एंटर, टैब या एरो कीज को प्रेस करके सेल सिलेक्टर को मूव करा देते हैं और वो डाटा सेल के अंदर रह जाता है तो वो डाटा स्टोर हो गया, मतलब डाटा एंट्री हो गया। अगर किसी सेल में पहले से कोई डाटा है उस सेल के ऊपर सेल सिलेक्टर को लेके टाइप करें तो पिछला डाटा नए डाटे से रिप्लेस हो जाता है। मतलब आपने जो पहले डाटा एंट्री करके रखा था सिलेक्टर को उसके ऊपर लेके अगर नया कुछ टाइप कर देते हैं तो पुराना डाटा डिलीट हो जाता है, नया डाटा एंट्री होना चालू हो जाता है। अगर आप पिछला डाटा में कुछ करेक्शंस या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो सेल सिलेक्टर को उस सेल के ऊपर रख के F2 की प्रेस करें या सिंपली सेल के ऊपर डबल क्लिक करें। अब उस सेल में आपको ब्लिंकिंग कर्सर दिखाई जाएगा। आप एरो कीज की मदद से कर्सर मूव करा के एडिटिंग या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंट बात, जब आप पुराना डाटा को एडिटिंग मोड में टाइप करते हैं तो एरो कीज की मदद से आप डाटा को सेल में स्टोर नहीं कर सकते। इस मोड में सेल सिलेक्टर एरो कीज से मूव भी नहीं होता, हिलता भी नहीं। इसमें डाटा स्टोर के लिए आपको टैब या एंटर प्रेस करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। आज जो हमने चीजों के बारे में सीखा इनको आप कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मुझे यकीन है आप बहुत बढ़िया चैंपियन बन जाएंगे। ये सब बहुत सिंपल है। इस वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर करें ताकि और कोई जरूरतमंद की मदद हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंप्यूटर के बारे में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।